हेलो गाइज, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाइज आंसे। आप सभी को शकट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो गाइज, आंसे बनाने के लिए क्या करेंगे, मैंने गुड़ लिया है और एक कटोरी आटा लिया है, तो इसका बनाएंगे आंसे। तो आंसे शकट की पूजा में होते हैं, जो आप सभी बहनें व्रत रहती हैं तो उसमें बनाए जाते हैं। तो चलते हैं आंसे बनाने के लिए। आटे को गाइज छलनी से इस तरीके से छान लेंगे। सो गाइज, ये 1.5 कटोरी समथिंग आटा है। तो गाइज, अगर आप नए मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले आटा तो मैंने ले लिया है, और आटे में डालेंगे गुड़ का घोल। तो गुड़ का घोल तैयार करने के लिए मैंने लिया है ये गुड़। तो गुड़ के लिए क्या करेंगे, पहले इसको फोड़ लेंगे, इसको रखेंगे और इस तरीके से फोड़ लेंगे। और ये गुड़ फोड़ने से बहुत ही आसानी से घुल जाएगा। तो ये गुड़ मैंने इस तरीके से फोड़ लिए हैं टुकड़े। गैस को ऑन करेंगे और फिर ये कटोरा मैंने लिया है, कटोरा रखेंगे और मैंने पानी लिया है और 1 कप पानी डाल देंगे। पानी को गर्म करेंगे। पानी गैस गर्म हो रहा है, इसमें फूटा हुआ गुड़ जो है वो इसमें डाल देंगे इस तरीके से। अब इसमें गैस जो पानी गर्म पानी में गुड़ को भिगो लेंगे, और भिगोने के बाद इसको पिघला लेंगे। गुड़ बहुत ही आसानी से पिघल जाएगा। तो गाइस, आप देख सकते हैं इस तरीके से पत्ता गोभी तैयार हो गया है। आटे में गाइस ऑयल डालेंगे, तो मैंने ये घी लिया है 2 बड़े चमचा घी डाल देंगे। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे काले तिल की, जो कि मैं बना रही हूँ आंसे। और आंसे में गाइस सकट में गाइस तिल का इस्तेमाल होता है, तो इसमें इस तरीके से 2 टीस्पून मैंने तिल डाल दिए काले वाले। और ये मैंने लिया है गुड़ का घोल। तो घोल इस तरीके से ठंडा कर लेंगे, ज़्यादा गर्म नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का है, इसको मैंने ठंडा कर लिया है। तो गाइस, इसको गर्म नहीं मारना है, गर्म से अगर आप भूनेंगे तो आटा आपका टाइट हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो ये ठंडा हो गया है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको गूंद लेंगे। इसका डो उसी तरीके से तैयार करना है जैसे वो बनाते हैं गाइस पूड़ी का आटा, पूड़ी का डो तैयार करते हैं, उसी तरीके से डो तैयार करना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि डो इस तरीके से तैयार कर लिया है, ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा टाइट है। तो इसी तरीके से डो तैयार करना है जैसे पूड़ी का डो तैयार करते हैं। तो गाइस, इस तरीके से उसी अलग से पानी नहीं डालना है, उसी में ही डो तैयार करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने जैसे पूड़ी का आटा तैयार करते हैं वैसा ही मैंने टाइट बनाया है। और इसको अच्छे से मल लेंगे, तो जितना अच्छे से मलेंगे उतने यहाँ से आपके बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनेंगे गाइस। तो गाइस, इसको मैंने खूब अच्छे से मल लिया है। मलने के बाद इसको इस तरीके से ढक देंगे, और ढकने के बाद इसको 5 मिनट बाद, इसका वेट करने के बाद ही इसको बनाना है आंसे। अगर तुरंत बनाएंगे तो आपके आंसे फट जाएंगे, तो इसका ध्यान रखिएगा गाइस। 5 मिनट का इंतजार कीजिएगा और इसको रख दीजिएगा डो के लिए। तो आप देख सकते हैं कि परफेक्ट डो तैयार हो गया है। तो ये जब उंगली लगा रही हूँ तो ये टाइट दिख रहा है आपको, लग रहा है इसी तरीके से डो परफेक्ट तैयार हो गया है। तो इसको गाइस रख देंगे और वेट करेंगे 5 मिनट का। सो गाइस, 5 मिनट हो चुके हैं, और डो को दोबारा ठीक कर लेंगे। सो गाइस, आप देख सकते हैं डो परफेक्ट मैंने ठीक कर लिया है। अब आंसे बनाने के लिए गाइस इसका शेप देना पड़ेगा। तो इस तरीके से इस पहले थोड़ी सी लोई ले लेंगे, जितनी पराठे की लोई लेते हैं। तो उसके बाद इसको इसके छोटे छोटे पीसों में काट लेंगे इस तरीके से, जिस साइज के आपको बनाना हो गाइस। इस तरीके से मैंने 5 लोई तोड़ी है, और ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने छोटा सा लिया है। इसको इस तरीके से करेंगे, और करने के बाद इसको गोल गोल करने के बाद तो इसको लंबाई शेप दे देंगे, जैसे बर्फी आकार में होता है इस तरीके से। गाइस, ये बन गया आंसे। तो इस तरीके से आप, मैं बना के दिखा रही हूँ पूरा, तो इसी तरीके से आंसे बनते हैं छोटे छोटे। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि आंसे इस तरीके से बनाए हैं मैंने, और जितना डो मैंने तैयार किया है उसी तरीके से, इसी तरीके से सारे आंसे बना लेंगे। तो मिलते हैं गाइस आंसे बनाने के बाद। सो गाइस, आप देख सकते हैं इस तरीके से आंसे मैंने बना लिए हैं छोटे छोटे, बहुत ही बढ़िया लगते हैं खाने में, और शकट की पूजा में तो बहुत ही जरूरी है। और माता के लिए चढ़ाते हैं, और शकट महाराज को चढ़ाते हैं, जिस तरीके से आप पूजा करते हैं उस तरीके से कीजिएगा। और यदि बनते हैं आंसे तो आप बनाइएगा। तो गाइस, अब देर ना करते हुए चलते हैं गैस की तरफ। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बर्फी के आकार के बने हैं। गैस को ऑन करेंगे, और मैंने कढ़ाई रखी है नॉन स्टिक, और इसमें ऑयल डाला है, ऑयल गर्म हो चुका है। और जो गाइस मैंने आंसे लिए थे इस तरीके से, आप देख सकते हैं कि आंसे परफेक्ट तैयार हो चुके हैं। अब इसमें गैस को पहले हाई टेम्परेचर पर गर्म करके फिर इसको लो टेम्परेचर पर कर देंगे। तो गैस को मैंने लो कर दिया है, और इसको इस तरीके से तलेंगे। और इसको तलने के बाद गैस थोड़ा सा लो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये कितना मोटा है, तो इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा। तो इस तरीके से सारे थोड़े थोड़े करके डाल देंगे तरीके से। गाइस, आप देख सकते हैं कि मैंने डाल दिए हैं आंसे और सिक रहे हैं।
ओके, इसको मैंने हाई फ्लेम पर कर दिया है। अब इसी तरीके से सिकने देंगे और इसको गैस एक एक करके पलट देंगे इस तरीके से। तो गैस आप देख सकते हैं मैं धीरे धीरे पलट रही हूँ। तो गैस इस तरीके से ये सिक गए हैं और इसको निकाल लेंगे। तो गैस ये देख सकते हैं इस तरीके से गुलाबी हो चुके हैं और इसको मैंने सेक तल लिए हैं और इसके बाद इसको निकाल लेंगे। तो इसकी आवाज़ से आप देख सकते हैं कि ये परफेक्ट बन चुके हैं। इसी तरीके से सारे निकाल लेंगे। तो गैस आप देख सकते हैं कि ये आंसे बन सिक के तैयार हो गए हैं। अब इसको निकाल लेंगे तो आप देख सकते हैं कि गुलाबी गुलाबी बने हैं एकदम परफेक्ट। सो गाइस आप देख सकते हैं कि आंसे परफेक्ट बनके तैयार हो गए हैं। आपकी कटाहट से पता चल रहा होगा कि कितने करारे और किसी और वैसे बढ़िया बने हैं। तो ये इस तरीके से गाइस आंसे बना सकते हैं और शक्कर की पूजा कीजिएगा। सो गाइस आपको ये आंसे की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। और कम्युनिटी ऑप्शन एक नया चैनल है जिसमें मैं शॉर्ट्स की वीडियो डालती हूँ, उसमें भी जाके मेरे चैनल को देखिएगा। और आप सभी को शक्कर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय शक्कर महारानी की।